ओम शांति। हम ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बहुत लंबे समय से बाप दादा की शिक्षाओं को एक एक करके अपने जीवन में उतारने की मेहनत कर रहे हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि मेहनत शब्द भगवान को प्रिय नहीं है, इसकी बजाय अगर भगवान से मोहब्बत इतनी अटूट हो जाए तो मेहनत शब्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि याद करने की मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसको मोहब्बत ना हो, परंतु जहां पर सच्ची प्रीत होती है, जहां पर सच्चा अटूट प्यार होता है, वहां मोहब्बत में सहज ही याद आती है, याद करना नहीं पड़ता, भूलना मुश्किल है भगवान को, याद करना नहीं। और ये सत्य है कि हम जितना जितना जिसको भी याद करते हैं उतना उतना हम उसी आत्मा के समान या परमात्मा को याद करते हैं, तो सहज ही परमात्मा के समान बनने लगते हैं। जिसको भी याद करेंगे उसी की गुण और शक्तियां हमारे में आने लगती हैं। वर्षों से हम ब्रह्मा बाप समान अपनी अवस्था को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु संकल्प लेते हैं पर वो संकल्प सिद्ध इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सही अर्थों में भगवान से मोहब्बत का एहसास नहीं हो पाता। ब्रह्मा बाप के जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं में ये चौथा कदम रहा कि भगवान से इतना इतना अटूट प्यार, अटूट संबंध कि संसार में कुछ भी उनको खींच ही नहीं पाया। देह को
कष्ट होते हुए भी देह का असहनीय कष्ट भी उनको खींच नहीं पाया। मित्र संबंधी और ब्राह्मण परिवार की पालना करने के बाद भी वो सबसे न्यारे रहे, क्योंकि एक परमात्मा से ही अटूट अटूट प्यार, एक पर अटूट निश्चय, एक से ही सर्व संबंध, और इसलिए ब्रह्मा बाप उस एक शिव बाप समान ही बन गए। कोई अंतर ही नहीं रहा, लेकिन परमात्मा से मोहब्बत, परमात्मा से अटूट प्यार और परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने का जो मूल मंत्र है, वो हमारी बुद्धि से बार बार खिसक जाता है, और वो है मैं ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा, संपूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र आत्मा, परमात्मा की ही संतान हूं। मुझ आत्मा का रिश्ता सर्वशक्तिवान से है। हजारों भुजाओं वाला कहते हैं उसे, भले ही स्थूल भुजा दिखाई ना दे, परंतु परमात्मा की सर्वशक्तियां उसी पल महसूस होने लगती हैं जिस पल हम स्वयं को अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेते हैं। उसी पल एहसास होता है कि वो हर कदम पर मेरे साथ चल रहा है, और यही कारण है कि ब्रह्मा बाप को जब भी देखते थे, एक प्रकाश पुंज सर्वशक्तियों का बहता हुआ समंदर अति तेजो में रूहानियत का सूर्य उनकी आभा सारे वातावरण को आलोकित कर देती थी, ऐसी अवस्था बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ देही अभिमानी अशरीरी स्थिति में ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में विशेष विशेष अभ्यास करते हुए दूसरों को भी
उसी रूप में देखने की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना सहज हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तब हमसे सबको साक्षात्कार होंगे। ओम शांति।